नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। सीएम नीतीश कुमार ने कोविड 19 अस्पताल का किया निरीक्षण, अधिकारी को दिए कई निर्देश। मानसून की पहली बारिश से पटना के कई इलाकों में हुआ जल जमाव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया पंप हाउस का निरीक्षण। जल जमाव पर सियासत, नेता प्रतिपक्ष के बयान पर नगर विकास मंत्री का पलटवार, कहा तेजस्वी के पास नहीं है कोई काम। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने कोविड के इलाज को लेकर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में बने कोविड 19 अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार ने कोविड के मरीजों के इलाज को लेकर बने इस अस्पताल की व्यवस्था को हर चीज का निरीक्षण किया। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पटना कमिश्नर और डीएम कुमार रवि भी मौजूद रहे। राजधानी पटना में मॉनसून की पहली बारिश से ही कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी पटना में पंप हाउस का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में पटना सिटी के बड़ी पहाड़ी स्थित पंप हाउस का निरीक्षण करने नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उनके साथ नगर विकास मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मानसून की बारिश से पूरा पटना डूब गया था, जिसको लेकर इस बार मानसून आने के पहले से ही नाला उड़ाही और ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा था। उसके बावजूद भी पहले ही बरसात में पटना के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पटना के तमाम पंप हाउस का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। पंप हाउस एकदम बिल्कुल सही है, जितना होना चाहिए मैक्सिमम है। उम्मीद तो हमको लग रहा है इस साल जल जमाव नहीं हो। बिहार में मानसून की पहली बारिश की शुरुआत हो गई है। पूरे बिहार समेत राजधानी पटना में भी पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इधर इस बारिश पर सियासत भी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आज सीएम नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ही पटना में जल जमाव की स्थिति का जायजा लेने के लिए पटना में निकले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस दौरान बिहार सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन के बारिश में ही पटना की स्थिति नरकीय हो गई है। इससे समझ लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इधर तेजस्वी के इस बयान पर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की ओर से पलटवार किया गया है। नगर विकास मंत्री ने कहा है कि बरसात में जल जमाव हो जाना स्वाभाविक है। बरसात के दौरान शहर में जल जमाव न हो, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। पटना के सभी सम्प हाउस काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के पास कोई काम नहीं है। तेजस्वी का काम सिर्फ बयानबाजी करना और सरकार पर दोषारोपण करना भर रह गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जक्कनपुर थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान जक्कनपुर थाना क्षेत्र के डॉक्टर अनीता सिंह मोर के पास पुलिस ने उन 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि वे सब एक व्यवसायी से लूट की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधियों में सुबोध कुमार भी शामिल है, जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है और जेल भी जा चुका है। एएसपी किरण यादव ने बताया कि अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। उधर राजधानी पटना में एक और मामला रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल चोरों ने चांगर मोड़ स्थित बैटरी एजेंसी में लाखों की चोरी की है। अपराधियों ने बड़ी ही चालाकी से मेन गेट को कटर से काटकर 3 लाख कैश सहित 20 लाख की सामान की चोरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक 2 टीवी, सीसीटीवी का डीवीआर सहित कई और सामान दुकान से गायब है। भागते समय चोर सलाई रिंच छोड़ गए हैं। इस मामले की जानकारी रामकृष्णनगर थाने को नहीं थी। ऐसे में स्थानीय लोग पुलिस पर अपनी असुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं। खबर खगड़िया से है। सीमा पर धोखे से देश के जवानों के ऊपर घातक प्रहार करने वाली चीनी सेना तथा वहां की सरकार के प्रति भारतीयों में रोष बढ़ती जा रही है। एक और देश के विभिन्न स्थानों में लोग चीनी सामानों की आहुति दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहीदों अमर रहे के गगनभेदी नारों से उनके प्रति भाव अंजलि पेश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक लोगों ने खगड़िया जिले के कथी क्षेत्रों में अमीर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री से चीन को सबक सिखाने का आग्रह भी किया गया। देश की जनता ने इस बार चीन को आर्थिक रूप से भी झटका देने का मन बना लिया है। शहीद हुए वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन पर गौरव महसूस कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत के वीर सपूतों अमर रहे, भारत के वीर सपूतों अमर रहे, भारत के वीर सपूतों अमर रहे, जय हिंद जय भारत। कोरोना संक्रमण के बाद होटल एवं मार्केट तो खुल गए हैं, परंतु वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में कल तड़के सुबह 5 बजे भट्टाचार्य रोड स्थित होटल वेलकम पैलेस से बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई। बताते चले कि गाड़ी झारखंड से मरीज दिखाने को लेकर आया था और लेट होने के कारण दिनांक 17/6/2020 को होटल वेलकम पैलेस के रूम नंबर 209 और 211 में ठहरा हुआ था। जब सुबह 5 बजे ड्राइवर की नींद खुली तो देखा कि गाड़ी पार्किंग से गायब है। इस बाबत जब होटल मैनेजर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि होटल की पार्किंग से सिक्कर काटकर करीब सुबह 4:52 पर चोर गाड़ी को लेकर गायब हो गए। होटल के सीसीटीवी कैमरे में भी वारदात की पुष्टि हो रही है। गांधी मैदान थाने में केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। सर, 17 तारीख को हम लोग देवघर से पटना के लिए डॉक्टर के यहाँ एसएन सिन्हा के यहाँ हम लोग दिखवाने हेतु आए थे। लेट हो जाने के कारण हम लोग होटल यहीं वेलकम प्लेस में रात 8:40 करवाए। बोला पार्किंग है, हाँ पार्किंग, बोला गाड़ी यहाँ लगाइए। गाड़ी लगवाए इन्होंने, हम लोग रूम 209-211 में ठहरे। 4:30 हम डेली उठते हैं सर, डेली हमारा है 4:30 उठ करके हम लेटरिन गए हैं, मुँह हाथ धोए हैं। उसके बाद खिड़की से जैसे ही झाँके तो हम देखे गाड़ी वहाँ नहीं है। गाड़ी नहीं है तो हम ड्राइवर को उठाए, ये गाड़ी कहाँ लगाया तुम, बोले गाड़ी वहाँ लगाया। गाड़ी नीचे हम लोग उतरे, पहले मैनेजर यहाँ नहीं मिला, काउंटर पर नहीं मिला मैनेजर। एक आदमी था, गेट खुला हुआ था, उनका हम लोग नाम नहीं जान रहे हैं, इन्हीं होटल का है। उनसे बोले जो गाड़ी यहाँ लगा हुआ था, गाड़ी नहीं देख रहे हैं, कहाँ गाड़ी लगा, क्या लगवाया यहाँ गाड़ी, वो ऐसा लैंग्वेज में बोला है। हमारे ड्राइवर दोनों साथे गए हैं पहले, इनका है वो बाबूजी साथ, इनका बाबूजी हैं, मैनेजर का बाबूजी है, वो हम लोग का साथ ही गया है नीचे। एक एक कस्टमर देवघर से आए थे, ये राजू दास उनका ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर थे, बोलेरो लेकर, और
8:40 को 8 PM में ये गाड़ी पार्किंग में लगाए थे, और ये हम 9 बजे चैन लगा दिए, ताला मार दिए मार उड़ कर। हम सब 12 बजे तक काउंटर पर थे, 12 बजे हम सोने चले गए रूम में। सुबह में 5 बजे ड्राइवर और यहाँ का स्टाफ हमको सूचना दिया कि गाड़ी पार्किंग में नहीं, तो हमने इधर उधर खोजे फिर पता नहीं चला, तो मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर इसका रिपोर्ट करने के लिए 5:30 में चले गए। यही घटना है सर। पार्किंग में देखो देखते हैं जहाँ की नहीं गाड़ी है, दौड़ के आए मैनेजर साहब के पास, तो मैनेजर साहब को जैसे उठाएं मैनेजर साहब हड़बड़ा के भी उठा, तुरंत लिया, तुरंत जाके देखते हैं होटल वाला मेन गेट जो होता है सर वो खुला हुआ था। हम लोग गए, एक आदमी खड़ा हुआ था बूढ़े जैसा, उसको नहीं पहचानते हैं, उससे पूछे कि मेरा गाड़ी यहाँ लगा हुआ था, वो कहाँ गया? बोला कहाँ गाड़ी लगा हुआ था? बोले यहीं पर लगा हुआ था, कल आप लगाए हैं? बोला नहीं, तो यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है अभी। यही बात है सर। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहो थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार, अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार लोकसभा आयोग ने 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इस संबंध में बिहार लोकसेवा आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने नोटिस जारी किया है। BPSC की नोटिस में कहा गया है कि 65वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा 25 जुलाई 26 जुलाई एवं 28 जुलाई 2020 को संभावित है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। पटना मध्य के CTSP विनय तिवारी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सेंट्रल CTSP विनय तिवारी, जो 2015 बैच के IPS अधिकारी हैं, की शादी है। लिहाजा सरकार ने उन्हें 34 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी है। सेंट्रल के CTSP विनय तिवारी 20 जून से लेकर 23 जुलाई तक कुल 34 दिनों के उपार्जित अवकाश पर रहेंगे। इनके अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक यातायात डी अमरकेश प्रभार में रहेंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। खबर पूर्णिया से है। DGP गुप्तेश्वर पांडे का पूर्णिया दौरा रद्द हो गया है। दौरे के रद्द होने के पीछे जिले में कोरोना के बढ़ते कहर और खराब मौसम बताया गया है। बता दें कि बिहार पुलिस के कप्तान DGP गुप्तेश्वर पांडे आज शुक्रवार दिनांक 19 जून 2020 को पूर्णिया में पूर्णिया कटिहार किशनगंज एवं अररिया जिले के SP के साथ समीक्षात्मक बैठक करने वाले थे। पुलिस विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना कहर और खराब मौसम की वजह से वे नहीं आ पाए हैं। वहीं विभाग के द्वारा बताया गया है कि अब आगे की महत्वपूर्ण जानकारी सभी जिलों के SP को ईमेल के जरिए बता दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।